नमस्कार, स्वागत है आपका बेटियों को समर्पित हमारी इस खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ मीना शर्मा। आधी आबादी, अक्सर ये प्रतिमान इस्तेमाल किया जाता है महिलाओं के लिए, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है पुरुषों के लिए क्यों नहीं होता? जब आधी आधी आबादी दोनों के हिस्से हैं, तो फिर महिलाओं के लिए ही इस विशेष प्रतिमान का इस्तेमाल क्यों? ये ख्याल अगर जहन में आपके भी कभी आया है, तो शायद जवाब ढूंढने की कोशिश भी आपने की होगी। दरअसल जवाब ढूंढने की कोशिश हमने की तो पता चला, आबादी में आधी होने के बाद भी कुछ लोगों ने महिलाओं को दोयम दर्जे का समझा, और उन कुछ लोगों की वजह से ही ये दीवार खड़ी हुई। हम इस दीवार को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो आज के सफर की शुरुआत करते हैं अरुणाचल प्रदेश से। यहाँ की एक बेटी ने बचपन के अभावों को भविष्य की बुनियाद बनाया। प्रदेश में पहली महिला मंत्री बनने वाली ये बेटी दुर्गम इलाकों में शिक्षा की लौ जला रही है। जिस घर की चौखट पर कोई अपने दूधमुंहे बच्चे को छोड़ने में न हिचकिचाए, उस घर के भरोसे की तुलना सिर्फ भगवान से की जा सकती है, और भरोसे का दूसरा नाम होता है माँ। बिन्नी यांगा एक ऐसी ही माँ थी, जो अरुणाचल के जनजातीय इलाकों में रहने वाली सैकड़ों महिलाओं और बच्चों के लिए देवदूत थी। बात महज किताबी शिक्षा तक सीमित न रहे, इसलिए संस्कारों का बीजारोपण भी इस माँ को दूसरों से अलग खड़ा करता था। देश की मुख्य धारा से कटे हुए अपने गांव और अपने लोगों को आगे बढ़ाने के लिए एक स्कूल टीचर के तौर पर जिंदगी की शुरुआत की, फिर राज्य की पहली महिला पुलिसकर्मी बनी। लेकिन खाकी वर्दी का रौब उन्हें रास नहीं आया। जल्दी ही वो पढ़ने पढ़ाने के अपने पसंदीदा काम की तरफ मुड़ गई, शिक्षा की अलख जगाई, और फिर महिलाओं को अपने पैरों पर खड़े होने में मदद करने के लिए एक सामाजिक संगठन खड़ा किया और नाम दिया ओजो वेलफेयर एसोसिएशन। इस संस्था ने महिलाओं को सिलाई कढ़ाई सिखाने के लिए मशीन लगाई, तो बिन्नी की टीम की मेहनत और लगन का ही नतीजा है कि ओजू के बनाए उत्पाद देश विदेश में छाए हैं। अपने गृह जिले सुबानगिरी को देश के नक्शे पर नई पहचान दिलाने वाली इस बेटी को राष्ट्रीय स्तर पर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने सम्मानित किया, तो पूर्व राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल ने भी पद्मश्री से नवाजा। आज भले ही ये बेटी हमारे बीच नहीं है, मगर अभावों में रहने वाले अपने गाँव और राज्य को बिन्नी ने एक नई पहचान दिलाई है। बिन्नी यांगा के संस्कारों को आगे बढ़ा रही ये संस्था देश का स्वाभिमान है, और हमें इन पर अभिमान है। पूर्वोत्तर की पहाड़ियां हो या फिर राष्ट्रीय राजधानी की तपिश, हक के लिए आगे बढ़ती बेटियां हर तरफ नजर आती हैं। फिर भी कुछ लोग हैं जो सुधरने का नाम नहीं लेते, बेटियों पर हाथ उठाना मर्दानगी समझते हैं। ऐसे ही लोगों को कानून का पाठ पढ़ा रही हैं रेखा अग्रवाल। मिलिए सुप्रीम कोर्ट के इस एडवोकेट से, जो महिलाओं के हक की आवाज बुलंद कर रही हैं। सुखी दाम्पत्य जीवन की बुनियाद पर टिके हमारे सामाजिक ढांचे में पति पत्नी के अलग होने की खबरें लगातार सामने आ रही हैं। मारपीट करने वाले पति या परेशान करने वाले सास ससुर के साथ जिंदगी गुजारने के बजाय बेटियां अब आत्मनिर्भर बन रही हैं। लेकिन हमारी सामाजिक व्यवस्था में किसी बेटी का अकेले रहना आसान नहीं है, और इन मुश्किल रास्तों को आसान बनाने में जुटी हैं रेखा अग्रवाल। सुप्रीम कोर्ट की इस एडवोकेट ने 32 साल पहले पति से अलग रहने का बड़ा फैसला किया था। 1983 के उस दौर में रेखा 22 साल की थी और अमृतसर के संपन्न परिवार में शादी हुई थी। लेकिन दिल्ली के सेंट स्टीफन्स कॉलेज में पढ़ी लिखी इस बेटी ने पति की गलत आदतों का साथ नहीं दिया। शादी के तुरंत बाद ही पति द्वारा शराब पीकर मारपीट का सिलसिला शुरू हुआ, तो दहेज की मांग लगातार बढ़ती गई। ऐसे में शादी के 2 साल बाद 1985 में रेखा ने वापस पिता के घर आने का फैसला किया। घर की अकेली बेटी के साथ ससुराल में हुए इन अत्याचारों से परिवार टूट गया, लेकिन दादा और पिता की राह पर चलकर रेखा ने एडवोकेट बनने की ठानी। दिल्ली विश्वविद्यालय में
एलएलएम में एडमिशन लिया। 1987 में वे कानून की पहरेदार बनी। रेखा को तलाक दिए बिना ही पति ने दूसरी शादी कर ली थी, लेकिन बेटे की परवरिश के लिए रेखा ने अकेले रहने का फैसला किया। ये देश का स्वाभिमान है और हमें इन पर अभिमान है। हक सिर्फ अदालतों से ही हासिल नहीं होते, जिंदगी भी जोखिम में डालनी पड़ती है। झारखंड के जंगलों में लेडी टार्जन एक ऐसा नाम है जो जंगल माफिया के खिलाफ आवाज बुलंद कर रही है। पेड़ों को बचाने के लिए किसी ने चिपको आंदोलन किया तो किसी ने जंगल माफिया के खिलाफ खुलकर मोर्चा खोला, लेकिन जंगल काटने वालों ने सब कोशिशों के बाद भी अपना गोरख धंधा जारी रखा। झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले के इस गांव के आदिवासी लोग घटते जंगलों से परेशान थे, लिहाजा यहां की एक बहू ने इस परेशानी को दूर करने की ठानी और शुरुआत की पेड़ों को राखी बांधकर। रक्षाबंधन के दिन जब बहनें भाइयों को रक्षा सूत्र बांधती हैं, ये आदिवासी बेटी पेड़ों की रक्षा का संकल्प लेती है और लाखों पेड़ों को बचाने वाली इस बेटी का नाम है जमुना टूडू। घर में पिता से मिले संस्कारों को ही जमुना ने जंगल बचाने का मकसद बना लिया और शुरू किया गांव के लोगों को समझाने का सिलसिला। और 15 साल की निरंतर मेहनत का नतीजा ये है कि आज इनके जंगल हरियाली से लहलहा रहे हैं। अब जमुना के गांव में बेटी के जन्म पर पौधे लगाए जाते हैं तो 33 साल की इस आदिवासी महिला के नाम 3,00,000 पौधे लगाने का रिकॉर्ड है। ये देश का स्वाभिमान है और हमें इन पर अभिमान है। और अब बात मध्य प्रदेश की। मिलवाते हैं आपको एक ऐसी बेटी से जिसने भील आदिवासी होने के बावजूद अपनी नई पहचान बनाई। नाम है भूरी बाई। मजदूरी करने वाली ये बेटी अब लोगों के जीवन में रंग भर रही है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल का ये जनजाति संग्रहालय है कला और अभिव्यक्ति के समावेश का जीवंत प्रतीक। और इस संग्रहालय की दीवारों पर सजी ये पिथोरा पेंटिंग कला प्रेमियों के यहाँ पहुँचने का बड़ा कारण है। कला के शौकीन लोग जितने अभिभूत इन खूबसूरत पेंटिंग्स को देखकर होते हैं, उससे भी ज्यादा आश्चर्य इन चित्रों में रंग भरने वाले कलाकार से मिलकर होता है, क्योंकि पिथोरा पेंटिंग को दुनिया भर में पहुंचाने वाली इस कलाकार की कहानी एक पहेली जैसी है और इस पहेली का नाम है भूरी बाई। 15 साल की उम्र में माँ ने शादी कर दी। बेरोजगार पति काम की तलाश में अपने गांव झाबुआ से निकलकर राजधानी भोपाल आया तो भूरी बाई भी मजदूरी में हाथ बटाने लगी। लेकिन भूरी बाई का कला के प्रति प्रेम उन्हें इस कड़ी धूप और मिट्टी के बीच भी रोक नहीं पाया। मिट्टी में चित्रों को उकेरते देखकर भारत भवन के तत्कालीन डायरेक्टर और देश के जाने माने चित्रकार जे स्वामीनाथन की नजर भूरी बाई पर पड़ी। स्वामीनाथन ने उन्हें अपने पास बुलाया और पेंटिंग करने का प्रस्ताव रखा। स्वामीनाथन ने भूरी बाई को मजदूरी के बजाय 5 दिनों तक पेंटिंग बनाने के काम में ही लगा दिया और मजदूरी के तौर पर 30 के बजाय 50 रुपए दे दिए। लेकिन भील जनजाति की इस बेटी को समझ नहीं आया कि ये सादे जीवन में नए रंगों की शुरुआत थी। 21 अप्रैल 2002 को राज्य सरकार ने जब इस बेटी को राज्य कलाकार का दर्जा दिया तो ये शासन द्वारा एक कलाकार का सच्चा सम्मान था। कभी स्कूल नहीं जाने वाली ये बेटी अब मध्य प्रदेश सरकार के लोक कला विकास अकादमी की कर्मचारी है। ये देश का स्वाभिमान है और हमें इन पर अभिमान है। सफलता का कोई पैमाना नहीं होता, सफलता न छोटी होती है न बड़ी। भूरी बाई एक नजीर है तो मिसाल रागिनी पारेख, देश की इकलौती महिला डॉक्टर जिनके नाम दर्ज है 70,000 से ज्यादा ऑपरेशन करने का रिकॉर्ड। मुंबई के सरकारी अस्पताल के नेत्र विभाग की विभागाध्यक्ष डॉक्टर रागिनी पारेख,
हजारों लोगों की जिंदगी को रोशन करने में जुटी ये महिला महाराष्ट्र के दूर दराज के इलाकों से आने वाले लोगों के लिए किसी मसीहा से कम नहीं है। एक दिन में 120 लोगों को नई आंखें देने का काम करने वाली डॉक्टर रागिनी का मकसद है कतार के आखिर में खड़े शख्स को इंतजार नहीं करना पड़े। समृद्ध गुजराती परिवार में जन्मी रागिनी के पिता प्राइवेट क्लिनिक बनवाकर बेटी को आराम की जिंदगी देना चाहते थे, लेकिन शुरुआती एक साल में सरकारी अस्पताल के अनुभवों के लिए रागिनी को गांवों में जाना पड़ा। वहां गरीबी को करीब से देखा, अभावों में रहने वाले लोगों के दर्द को महसूस किया तो सरकारी सेवा का विकल्प चुना। समर्पण के साथ संतुष्टि का नतीजा है कि 3 से 4 घंटे की नींद भी उन्हें थकान नहीं देती तो पूरी टीम भी इस कमांडर के साथ सैनिक की तरह सजग रहती है। महिला डॉक्टर्स की छवि को सीमित दायरे से बाहर निकालने वाली ये महिला महाराष्ट्र में जाना पहचाना नाम है। तो जेजे हॉस्पिटल के डीन डॉक्टर लहाने के रिकॉर्ड को आगे बढ़ाना इनका सपना, ये देश का स्वाभिमान है और हमें इन पर अभिमान है। वेलकम मैम, वेलकम, कैसे हैं आप? सबसे पहले यही जानना चाहेंगे कि आपने सोचा था कि आप इतनी बड़ी सर्जन बनेंगी? कभी नहीं, पर मैं जब ही बहुत छोटी थी और तभी गुड़ियों का जब ही खेल खेलते थे तभी मैं पुट्ठों के घर बनाती थी, छोटे छोटे तंबू जैसे, और उसमें मैच बॉक्स के जो कॉर्ड्स बनाते थे स्कूल में हैंडीक्राफ्ट में, वो अंदर डाल के मैं सोचती थी कि ये मेरा हॉस्पिटल होगा और मैं डॉक्टर रहूँगी। मैं जब भी छोटी थी तब से मुझे डॉक्टर ही होना था। शायद मेरे पापा पढ़ नहीं पाए थे क्योंकि फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स की वजह से उनका एजुकेशन पूरा नहीं हो पाया था और वो बिजनेस करते थे, तो वो सोचते थे कि अगर आप पढ़ोगे तो आपको इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, समाज में आपका अच्छा नाम होगा। तो उनकी बहुत ख्वाहिश थी कि उनको मुझे डॉक्टर बनाना था जी। ये उनका सपना था या मेरा ये मुझे कभी समझ में नहीं आया, पर मुझे हमेशा से डॉक्टर ही होना था जी। तो डॉक्टर क्या बनना था आपको? आई स्पेशलिस्ट, कैटरेक्ट के ऑपरेशन करने वाली देश की सबसे बड़ी सर्जन महिला के रूप में? नहीं, जब भी हम MBBS करते थे तो अलग अलग डिपार्टमेंट्स में हमारी पोस्टिंग होती थी, जैसे कि मेडिसिन में, सर्जरी में, गायनेकोलॉजी में, और जैसे कि हर कोई के साथ होता है तो गायनेकोलॉजी में ऐसा होता था कि इमरजेंसी में छोटे छोटे बच्चे पैदा होते थे, बहुत सारे क्यूट, और परिवार वाले बहुत खुश होते थे। तो मुझे हमेशा ऐसा लगता था कि मुझे तो लेडी सर्जन ही बनना है, मुझे गायनेकोलॉजिस्ट ही बनना है। जब ही रिजल्ट आया तो मैं क्लास में 10th थी और मुझे हर चीज़ मिल रही थी, सर्जरी, मैं इतनी पतली थी ऑर्थोपेडिक्स मिल रहा था, तो लोग मुझे मेरे पीछे आते थे, आप लेने वाले हो क्या? तो मैं बोलती थी नहीं बाबा, मैं हड्डियों की डॉक्टर नहीं बन सकती हूँ पर मुझे गायनेकोलॉजी ही चाहिए। तो उस समय मुझे जनरल सर्जरी में, मैं 2nd थी तो पहले जनरल सर्जरी मिला KEM हॉस्पिटल में, और फिर मैंने सोचा कि अगर मैं 6 महीना ड्रॉप ले लेती हूँ तो मुझे गायनेक भी मिल जाएगा और शायद ऑफ्थाल भी मिल जाएगा। और 1 महीना ऑफ्थाल्मोलॉजी करने के बाद मुझे ये पता चला कि ये मुझे बहुत ही अच्छा लगने लगा है। तो जब आपने जो सोचा नहीं था वो आपने किया, और वो मैं जैसे ही करती गई मुझे उसमें इतनी रुचि हो गई थी 1 ही महीने में। और जब भी मैं इंटरव्यू के लिए, मैंने जब भी जो निर्णय लिया कि नहीं मुझे इंटरव्यू में नहीं जाना है, तो मेरे पापा तो बहुत ही सरप्राइज में चले गए, बोलते अरे पूरी जिंदगी आपको यही करना है, पूरा MBBS आप सबको बोलते रहे कि नहीं नहीं मुझे तो यही करना है और गायनेकोलॉजिस्ट बनना है। तो ज्यादातर महिलाएं गायनेकोलॉजिस्ट क्यों बनना चाहती हैं, उनकी प्रेफरेंस गायनेकोलॉजी क्यों रहती है? शायद मुझे ऐसा लगता है कि वो वुमेन से रिलेट कर पाते हैं, वुमेन उनसे रिलेट कर पाते हैं। मैं आपको एक किस्सा सुनाती हूँ कि जब भी मैं इंटर्नशिप करती थी तो मेरे काका डॉक्टर हैं जी, एक ही मेरे फैमिली में डॉक्टर है, बाकी सब बिजनेस फैमिली है। तो इंटर्नशिप में मैं जब भी उनके क्लिनिक में जाती थी और जैसे ही पता चलता था सब लेडीज़ को कि रागिनी आज आई है, तो शाम को पूरी महिलाओं से क्लिनिक भर जाती थी जी, क्योंकि उनको अगर उनके प्रॉब्लम्स होते थे, पर्सनल प्रॉब्लम्स होते थे, तो वो मेरे साथ वो रिलेट कर पाते थे। और उस समय जब भी MBBS में करती थी 88 में, तो थोड़ी सी झिझक सी होती थी कि पुरुषों के साथ जाके वो कैसे बात करें,
तो मुझे लगता है कि उस समय का ट्रेंड था कि लेडीज़ ज़्यादातर गायनेकोलॉजी में जाते हैं और मुझे तो वही पसंद था जी। लेकिन आपने उसको चुना नहीं और आप देश की इतनी बड़ी सर्जन बनी, डॉक्टर, आई स्पेशलिस्ट, कैटरिक्ट के ऑपरेशन इतने ज़बरदस्त ढंग से, आज आप 120 से ज़्यादा ऑपरेशन एक दिन में करती हैं, कैसे करती हैं, कैसे ये सफ़र आपने तय किया, ये समझेंगे आपको से, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश, डॉक्टर को भगवान का दर्जा देते हैं, और आज एक डॉक्टर हमारे साथ हैं, रागिनी पारेख, मुंबई और देश में जानी मानी। रागिनी जी, लेकिन आपके फादर आपको गायनेकोलॉजिस्ट बनाना चाहते थे, आपके फादर आपको प्राइवेट क्लिनिक खुलवा के देना चाहते थे, लेकिन आपने सरकारी सेवा को चुना, क्यों? मुझे ऐसा लगता है कि नियति एक ऐसी चीज़ होती है कि जो होने वाला होता है वो उसके धागे पहले ही अपने जीवन में आ चुके होते हैं या उसके कुछ ना कोई अंश जीवन में आ चुके होते हैं। मेरी MBBS की फाइनल परीक्षा थी, उसके 10 दिन पहले मेरे दादाजी गुजर गए और उनको डायबिटीज़ बहुत सीवियर था, वो कंट्रोल नहीं हो रहा था शुगर, उस वजह से उनकी सर्जरी नहीं हो पाई और उसी चिंता में उनकी मृत्यु हो गई। मुझे गायनेकोलॉजिस्ट होना था, वो नहीं होते हुए ऑफ्थेल्मोलॉजी मैंने चुना, और बहुत साल ऑफ्थेल्मोलॉजी करने के बाद मुझे ऐसे ध्यान में आया कि शायद मेरे दादाजी की जो सर्जरी नहीं हो पाई उसके बदले में आज मैं बहुत सारे दादी जी और दादाजी की सर्जरी कर पा रही हूँ, तो वो मेरे नसीब में ही है। पर मेडिकल कॉलेज में एक साल का बॉन्ड होता है और वो बॉन्ड कंप्लीट करने के लिए जब ही मैं लेक्चरर के रूप में जेजे में वापस प्रस्तुत हुई, तभी वहाँ डॉक्टर लहाने सर जेजे में आए हुए थे। वो अम्बेजोगाई जो गांव और रूरल एरिया है वहाँ से आए थे, उनकी किडनी ख़राब हो चुकी थी और किडनी ट्रांसप्लांट सिर्फ जेजे हॉस्पिटल में ही हो सकता था जी, और वो जिंदा भी नहीं रहने वाले थे। उनकी मम्मी ने किडनी दी, फिर उन्होंने वापस काम शुरू किया। ये कब की बात है? 1995। आज 20 साल हो गए, 22 फरवरी 1995 में उनकी मम्मी ने उनको किडनी दी, 20 साल हो गए आज। वो गांव से थे और 1995 के बाद उनके साथ हम गांव जाने लगे, कैंप करने लगे जी। शुरुआत में तो ऐसा था, आज भी ऑपरेशन करते हैं वो, आज भी ऑपरेशन करते हैं, आज जेजे हॉस्पिटल के अधिष्ठाता हैं, लेकिन मुझे लगता है कि मेरे साथ ही आज इंडिया में सबसे ज़्यादा वॉल्यूम ऑफ सर्जरीज वो करते हैं। आपके प्रेरक भी वही हैं? मेरे प्रेरित भी वही हैं। एक बार बहुत शानदार तालियां डॉक्टर लहाने के लिए। बहुत हुनर है और आपने आपका आपके काम में मन लगाना चाहिए। आपके मम्मी पापा ने हमेशा आपका मनोबल बढ़ाया, मतलब बहुत ही, आज जो कुछ भी मैं कर पाई हूँ वो सिर्फ मेरे मम्मी पापा की वजह से। ऐसे मम्मी पापा सबको मिले। रागिनी जी, लेकिन जिस तरह से आपने बताया डॉक्टर लहाने के बारे में, आपके पेरेंट्स के बारे में, आपको भी लोगों ने हमेशा साथ दिया, लेकिन जो दूर दराज से गांवों से लोग आते हैं अब आप पे भरोसा करने लगे हैं, यानी कि अगर आप थोड़ी सी मेहनत करते हैं तो समाज आपके साथ रहता है? ज़रूर 100% रहता है, क्योंकि एज एन आई सर्जन बहुत कम स्कोप होता है मिस्टेक के लिए। आँख इतनी छोटी चीज़ है और हम जो कैटरैक्ट सर्जरी करते हैं वो 2 मिलीमीटर के गैप में करते हैं। एक समय ऐसा था कि मैं 95 सर्जरीज तक कर पाती थी जी, और एक ह्यूमन बीइंग का ईगो आ जाता है हाँ। कि 100 सर्जरीज करना है, मेरे सर की इच्छा थी, मेरे टीम की इच्छा थी, लेकिन एक बार रत्नागिरी में टीम ने ठान ही ली कि ये डरती है, ये घबराती है, और आज भी अगर पेशेंट्स को कुछ कम ज़्यादा हो जाए तो मेरे डिपार्टमेंट के लोग, मैं प्रोफेसर एंड हेड हूँ, तो बहुत ही हंसते हैं कि मैडम रोने लगेंगी हाँ। तो पेशेंट्स और वो टीम जो लगातार इनके साथ खड़ी रहती हैं वो भी बधाई की पात्र हैं। रागिनी जी, इस बातचीत को जारी रखेंगे, लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का है।
हमारे साथ हैं देश की जानी मानी डॉक्टर रागिनी पारेख। रागिनी जी, इतने सारे ऑपरेशन एक दिन में करती हैं, 100 का रिकॉर्ड आप बना चुकी हैं, 120 से ज़्यादा कर चुकी हैं, कितना लक्ष्य पाला है आपने? ऐसा कोई लक्ष्य नहीं है। जब ही मैं सोचती थी कि सर 85 कर रहे थे उस समय और मैं 60s में थी, तो मैं सोचती थी मैं इतना कर पाऊँगी कि नहीं। और ये भी जो 100-120 शस्त्रक्रिया इसलिए होती है कि जब भी हम कैंप में जाते हैं तो एज अ ह्यूमन बीइंग हमारी क्षमता जितनी होती है उससे ज़्यादा पेशेंट्स आते हैं। और हमेशा ऐसा होता है कि समझो हम 2 दिन सर्जरीज करने वाले होते हैं और 500 पेशेंट्स एडमिट कर चुके हैं, तो उसके बाद ऐसे पेशेंट्स आते हैं जिनके मोतिये पक चुके होते हैं या जिनको बहुत ज़रूरत होती है, जो दोनों आँख से अंधे होते हैं। तो हमेशा उस समय बहुत तकलीफ होती है कि सर कहते हैं कि रागिनी फिर तुम बहुत रोगी कि नहीं नहीं मैं थक गई हूँ, मेरे से 4 बजे सुबह सर्जरीज नहीं होती है तो इनको वापस भेज दो। लेकिन मेरी हिम्मत ही नहीं होती है, मेरे से इनको वापस भेजा ही नहीं जा पाता है क्योंकि मुझे पता है कि अगर इनको वापस भेज दिया तो ये अंधे रह जाएंगे। रागिनी जी, डॉक्टर बनना लगभग मतलब बहुत बड़ा वर्ग है बच्चों का, जो पढ़ाई कर रहा होता है उसका सपना होता है, और बहुत सारे स्टूडेंट्स नई पीढ़ी के हमारे साथ हैं, वो भी आपसे ज़रूर बहुत सारे सवालों के साथ मुखातिब होंगे। मेरा सवाल आपसे ये है कि आपने अब तक इतने बड़े बड़े ऑपरेशन और सर्जरी किए हैं, तो क्या जब आपने पहला ऑपरेशन किया था तब क्या आपको डर लगा था? बहुत ही डर लगा था और मुझे लगता है कि एज अ डॉक्टर थोड़ा डरना ही चाहिए। हेलो मैम। हेलो मैम, आपसे ये पूछना चाहती हूँ, एक सिंगल वुमेन रहने से क्या क्या परेशानियाँ आती हैं लाइफ में? ट्रैवलिंग में बहुत परेशानियाँ आती है। बहुत बहुत शुक्रिया रागिनी जी यहाँ आने के लिए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारियाँ हमारे दर्शकों को, इन बच्चों को बताने के लिए, शेयर करने के लिए, साझा करने के लिए। तो हो के मायूस नयू शाम से ढलते रहिए, जिंदगी भोर है सूरज सा निकलते रहिए, एक ही पाँव पे ठहरोगे तो थक जाओगे, धीरे धीरे ही सही राह पे चलते रहिए। रागिनी को सुनकर आप जरूर ये सोचेंगे, काश हमारी भी एक ऐसी बेटी होती। इसलिए हमने हमारे कार्यक्रम का नाम रखा है, अब के बरस मोहे बिटिया ही दीजो। उम्मीद करते हैं हमारी ये कोशिश आपको जरूर पसंद आ रही है। हम लगातार ये सिलसिला जारी रखेंगे, अगले सप्ताह फिर मिलेंगे, तब तक दीजिए अनुमति, नमस्कार।